हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल लारी फूड हब। टुडे आई एम शेयर विद यू चिकन अंगारा रेसिपी। आज हम बनाएंगे इसको बिल्कुल इजी वे से, तो चलिए हम देखते हैं इसको बनाना। चिकन अंगारा, यहाँ मैं चिकन अंगारा 1 kg का बना रही हूँ। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 4 tsp धनिया पाउडर और 2 tsp ब्लैक पेपर लिया है। नेक्स्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। यहाँ मैंने 2 tsp जीरा ऐड किया है। नेक्स्ट यहाँ मैंने लिया है छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, सूखा लाल मिर्च। अब हम इन मसालों को रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पे। ज्यादा रोस्ट नहीं करेंगे हम इसे, 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम पे। अगर आपको मसालों में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। इनको हम 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे और इसका पाउडर फॉर्म बना लेंगे ठंडा करके। यहाँ मैंने ठंडा करने के लिए एक प्लेट में इसको ट्रांसफर कर लिया है। जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसका पाउडर बना लेंगे बारीक। नेक्स्ट यहाँ मैंने 1 kg चिकन को अच्छे से वॉश करके रख लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। यहाँ मैं 1/2 kg दही यूज कर रही हूँ। एक बार ग्राइंड में चलाने से क्रीमी हो जाता है, तो आप लोग भी इसको एक बार ग्राइंड कर लीजिएगा जिससे कि इसका टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी हो जाता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना अंगारा मसाला जो मैंने बनाया था। मसाला 1 kg का बनाया था। अगर आप 1/2 kg बना रहे हैं तो आप क्वांटिटी 1/2 कर लीजिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 tsp जिंजर गार्लिक पेस्ट। नेक्स्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 tsp ग्रीन चिली पेस्ट। और हाँ, आपको कड़वा ज़्यादा पसंद हो आप ग्रीन चिली अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने बिरयानी का पेस्ट ऐड किया है, प्याज को ब्राउन करके उसका पेस्ट बनाया है। यहाँ मैंने 2 से 3 tsp इसमें ऐड किया है बिरयानी पेस्ट। अब यहाँ मैंने 7 से 8 टमाटर प्यूरी ऐड की है। नेक्स्ट अब हम इसमें ड्राई फ्रूट पेस्ट ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 tsp ड्राई फ्रूट पेस्ट ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड फूड कलर, या आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने रेड फूड कलर का यूज़ किया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे ऑयल। यहाँ मैं 2 से 3 tablespoons ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसमें हम स्मोक फ्लेवर भी करेंगे, तो हम इसके लिए कोयला रेडी करते हैं। चिकन अंगारा में स्मोकी फ्लेवर बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग भी इसको ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं मैंने चिकन में 2 छोटे-छोटे प्लेट रखे। अब हमने उस पर अंगारे रखे हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, या तो घी डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं। हम इसमें थोड़ा सा घी डाल रहे हैं और ये देखिए वाणी अब आया है सही। ढक के रख देंगे जब तक इसका धुआं उसी में ऑब्जर्व ना हो जाए। 2 घंटे होने के बाद यहाँ मैंने कढ़ाई को प्री हीट किया है। अब मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है। यहाँ मैंने 4 tablespoons ऑयल ऐड किया। अब हम इसमें अपने सारे चिकन को 1-1 पीस करके ऐड करेंगे और हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक इसे कुक करेंगे। जब सारे चिकन 5 मिनट अच्छे से हाई फ्लेम पे कुक हो जाएंगे, तो हम इसमें जो ग्रेवी है वो हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ग्रेवी ऐड ऑन करेंगे, जो हमारी ग्रेवी है। आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सारी ग्रेवी ऐड कर दिया। अब हम इसमें लो टू मीडियम फ्लेम पे तब तक कुक करेंगे जब तक हमारा चिकन अच्छे से गल ना जाए। तो चलिए चेक कर लेते हैं हमारा चिकन गला कि नहीं। यहाँ मेरा चिकन बिल्कुल अच्छे से गल गया है। माशाल्लाह कलर भी बहुत अच्छा आया है, आप देख सकते हैं। फ्लेम लो कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। यहाँ मैं 4 tsp कसूरी मेथी ऐड की। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे कि ये अच्छे से मसालों में ऑब्जर्व हो जाए, जो कि इसका टेस्ट और भी अच्छे से इन्हेंस हो जाए। आप देख सकते हैं चिकन अंगारे का कलर कितना ही अच्छा आया है। तो चलिए अब हम इसको स्मोक फ्लेवर देते हैं। यहाँ मेरा कोयला रेडी हो रहा है, तो चलिए इसको फाइनल टच देते हैं। यहाँ मैंने 1 tsp बटर, 1 tsp देसी घी एंड 1 tsp मैंने इसका ऑयल लिया है। और यहाँ मैंने 3 प्लेटें रख दी। अब हम इसमें कोयला को ऐड करेंगे जब हमारा अंगारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाए, और 1-1 tsp करके एक एक फ्रिज में हम वो डालते जाएंगे। आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा स्मोक आ रहा है। जितना अच्छा स्मोक आएगा उतना ही अच्छा आपका चिकन अंगारा रेडी होगा। आप देख सकते हैं यहाँ मेरा चिकन अंगारा बिल्कुल ही रेडी हो गया। आई होप आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।